बिग बॉस ओटीटी के विजेता बनकर सुर्खियों में आए यूट्यूबर एल्विश यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन पर गैरकानूनी तरीके से रेव पार्टी कराने और पार्टी में सांप का जहर परोसने का आरोप लगा है। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नोएडा पुलिस ने सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 9 जिंदा सांप भी बरामद हुए, जिसमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुंहे सांप और 1 रेड स्नेक यानी घोड़ा पछाड़ सांप शामिल है। बताया गया कि जब दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में रेव पार्टी होती थी तो इन सांपों को लाया जाता था। जो सांप लाए जाते थे, प्रतिबंधित सांप, उसका वीडियो बनाया जाता था, सांपों का जहर भी वहां से बरामद किया गया है। आरोप है कि सांपों से निकाले गए जहर का इस्तेमाल पार्टी में ड्रग्स के तौर पर किया जाता था। पकड़े गए लोगों ने शुरुआत में तो खुद को बेगुनाह बताते हुए पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उनके साथ सख्ती की तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। इस पूछताछ के आधार पर नोएडा पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव का नाम लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने एल्विश यादव को ही रेव पार्टी आयोजित करने, जिंदा सांपों को पहुंचाने और उनके जहर की सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। आरोप तो यहां तक लगा कि एल्विश यादव के इशारे पर ही ये सांप लाए गए थे, जिसके बाद 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 6ठा आरोपी एल्विश यादव को बनाया गया। नोएडा पुलिस की एफआईआर में एल्विश यादव पर दिल्ली एनसीआर में गैरकानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही एफआईआर में ये भी लिखा है कि इन पार्टियों में विदेशी महिलाओं को भी लाया जाता था। आरोपियों से पूछताछ में एल्विश यादव का नाम सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है और एल्विश यादव की धरपकड़ के लिए 3 राज्यों में नोएडा पुलिस की टीमों को रवाना भी कर दिया गया। नोएडा पुलिस के एक्शन के कुछ ही देर बाद एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और खुद को निर्दोष बताया। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। एल्विश यादव ने दावा किया कि सांपों की तस्करी में उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई और खुद को निर्दोष बताया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। इस वीडियो में एल्विश यादव ने ये भी दलील दी कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। और मामले की सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने भी एल्विश यादव से फोन पर बातचीत की। जब हमने एल्विश से उनके ऊपर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने सभी आरोपों को नकार दिया और एल्विश यादव ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताया। एल्विश यादव ने पकड़े गए लोगों को पहचानने से भी इनकार कर दिया और दावा किया कि जो लोग पुलिस की रेड में पकड़े गए हैं उनसे उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जो राहुल नाम का सदस्य था जिससे रेप पार्टी की बात की गई थी एल्विश, उसका नाम किस तरह से आपका नाम इस्तेमाल किया, आप उस राहुल को जानते हैं? भाई मैं किसी को नहीं जानता इनमें से, मैंने अभी नाम एफआईआर कॉपी देखी, मैंने उसमें जितने भी नाम थे मैं उनमें से ना किसी को जानता, ना मेरा इनसे कोई लेना देना, दूर दूर तक मेरे अननोन कॉलर्स भी बंद हैं और जो भी मेरा नाम ले रहे हैं भाई ये सीधा सीधा मेरी इमेज नेगेटिव करने के चक्कर में हो रहा है और कुछ भी नहीं। आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, बट फिर भी इनका मकसद यही है। एल्विश यादव ने उनकी तस्वीरें सांप के साथ वायरल होने पर भी सफाई दी और इन तस्वीरों को शूटिंग का हिस्सा बताया। एल्विश यादव ने दावा किया कि गुरुवार को वो नोएडा में थे ही नहीं, जबकि आशंका जताई जा रही है कि एल्विश यादव भी पार्टी में शामिल होने वाले थे। हालांकि एल्विश यादव ने इन आरोपों को भी नकार दिया। एल्विश यादव ने बताया कि गुरुवार को वो नोएडा में नहीं थे। नोएडा की जिस लोकेशन की बात हो रही है जहां पर ये रेप पार्टी थी, कल क्या आप मौजूद थे उसकी लोकेशन के बारे में आप बता पाएंगे, कल कहां थे आप? मैं था बॉम्बे में, मैं 1 महीने से बाहर ही हूँ, लंदन था, फिर स्कॉटलैंड था, उसके बाद मेरे लगातार इवेंट्स थे, अहमदाबाद था, फिर इंदौर था और बॉम्बे था। मेरा मैं घर भी बड़ी मुश्किल से गया हूँ, गुड़गांव भी मैं हिसाब से 1-2 घंटे के लिए गया हूँ। अगर आप देखोगे तो ब्लॉग से पता लग जाएगा मैं बाहर ही रहता हूँ। एल्विश यादव ने सफाई दी कि वो इस तरह की किसी भी रेव पार्टी में शामिल नहीं होते। वहीं उन्होंने आरोपों को झूठा बताकर अपने फैंस से उन पर भरोसा करने की अपील की। लेकिन पुलिस को रेव पार्टी की जानकारी देने वाले मुखबिर ने बड़ा दावा करके सबको चौंका दिया। स्टिंग ऑपरेशन करने वाले मुखबिर ने जानकारी दी कि उन्होंने रेव पार्टी के लिए सबसे पहले एल्विश यादव से ही फोन पर बातचीत की थी और एल्विश यादव से एक ऐसी पार्टी का इंतजाम करने को कहा जिसमें ड्रग्स के रूप में सांपों का जहर और विदेशी लड़कियां शामिल हों।
मुखबिर ने बताया कि एल्विश यादव से बात करने पर ही उन्होंने अपने एजेंट राहुल का नंबर दिया था और उसका नाम लेकर बात करने को कहा। मुखबिर ने बताया कि राहुल से बात की गई तो वो रेव पार्टी के लिए तैयार हो गया। राहुल तय प्लान के मुताबिक गुरुवार को अपनी टीम के साथ सांप लेकर सेक्टर 51 में पार्टी वाली जगह पर पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। हर बिंदु पे हम लोग गहराई जांच कर रहे हैं, इतना कह रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध। हालांकि पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन के बारे में जांच का हवाला देकर ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन साफ तौर पर ये जरूर कह दिया कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसके बाद एल्विश यादव पर लगाए गए आरोपों की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम गुरुग्राम में उनके घर पर भी गई, जहां सन्नाटा देखने को मिला। और गुरुग्राम के वजीराबाद में एल्विश यादव के घर जब जी न्यूज की टीम पहुंची तो उनके घर के दरवाजे अंदर से बंद मिले। घर के अंदर उनके परिवार के लोग तो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। जैसे एल्विश यादव के घर पर उनकी सिर्फ और सिर्फ माता हैं और फादर जो हैं वो टीचर हैं, तो स्कूल गए हुए हैं, तो उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। और आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि जब उनसे बात करने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने दरवाजा खोला था, लेकिन फिलहाल अब पूरी तरह से दरवाजा बंद किया हुआ है। और अब दो दफा हम उनको नॉक कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बाहर आने से इनकार कर दिया। क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस जल्द ही एल्विश के परिवार वालों से पूछताछ कर सकती है, इसलिए परिवार वालों में पुलिस का डर भी साफ तौर पर नजर आ रहा था।